बदल गई रामलला की मूर्ति। रामलला को देख हैरान मूर्तिकार हुआ परेशान। प्राण प्रतिष्ठा से पहले किसने बदली मूर्ति? रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं। लाखों लोग हर दिन उनके दर्शन को पहुंच रहे हैं। इसी बीच मूर्ति को लेकर हर रोज नए नए राज खुल रहे हैं, लेकिन अब बेहद ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की मूर्ति ही बदल गई। इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज ने ही किया है। अरुण की ये बात सुनकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने एक इंटरव्यू में रामलला की मूर्ति को लेकर अपना अनुभव शेयर किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि राम मंदिर के गर्भगृह में जो रामलला की मूर्ति लगी है वो उन्होंने नहीं बनाई है। मूर्तिकार योगीराज की इस बात को सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने बताया कि मैं 10 दिन से वहीं था। प्रतिष्ठा होने और अलंकार होने के बाद मैं किनारे बैठा था। मैंने देखा तो लगा ये मेरा काम नहीं है। अंदर जाते ही भगवान बहुत चेंज हो गए। मेरे साथ 2-3 लोग बैठे थे, उनसे मैंने शेयर किया कि ये बहुत अलग दिख रहा है, पता नहीं ये मेरा काम नहीं हो सकता। आपको बता दें कि मूर्तिकार योगीराज कहना चाहते हैं कि मूर्ति के गर्भगृह में जाने के बाद मूर्ति के भाव बदल चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब विग्रह के रूप में इसे देखने वाले एक बार के लिए निःशब्द रह जा रहे हैं। योगीराज ने प्रतिमा की आंखें भी बहुत बारीकी और कुशलता से गढ़ी थी। मूर्ति बिल्कुल जीवंत देखने में प्रतीत होती है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की आंखें भी अब बोलने सी लगी हैं। वहीं अरुण योगीराज ने एक रोचक किस्सा बताते हुए कहा कि जब हम मूर्ति का निर्माण कर रहे थे तो हर दिन शाम को 5 से 6 बजे के बीच बंदर वहां पर आते थे। वहां आते मूर्ति का काम देखते और चले जाते थे। कर्मशाला में इस प्रकार के बंदरों को आने से हमें परेशानी होने लगी। मैंने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के सामने इस बात को रखा। उन्होंने कर्मशाला में घेरा लगवा दिया, दरवाजे भी लगवा दिए। उसी शाम को जब बंदर आया तो उसने पूरी कर्मशाला को बंद पाया, फिर उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। योगीराज ने कहा कि जब हमने दरवाजा खोला तो वह अंदर आए, मूर्ति निर्माण देखा और चले गए, फिर हमने दरवाजा बंद नहीं किया। अरुण से जब पूछा गया कि क्या एक ही बंदर आता था तो उन्होंने कहा कि यह तो मैं नहीं बता सकता। आपको बता दें कि मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तराशी गई 51 इंच की मूर्ति को 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनाया गया है। नीले रंग की कृष्ण शिला की खुदाई मैसूरू के HD कोटे तालुका में जयापुरा हुबली में गुज्जे गोदानपुरा से की गई थी। यह एक महीन से मध्यम दाने वाली आसमानी नीली मेटामॉर्फिक चट्टान है, जिसे आमतौर पर इसकी चिकनी सतह की बनावट के कारण सुपरस्टोन कहा जाता है। यह मूर्तियां बनाने के लिए सबसे आदर्श पत्थर माना जाता है। मूर्ति के लिए आभूषण आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अलवंदन स्त्रोत्रम जैसे ग्रंथों के गहन शोध और अध्ययन के बाद तैयार किए गए हैं। उनके मुताबिक रामलला की मूर्ति को बनारसी कपड़े से सजाया गया है, जिसमें एक पीली धोती और एक लाल पताका या अंग वस्त्रम है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि अयोध्या से पहले अरुण योगीराज ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई थी, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। इसके अलावा मैसूर में उन्होंने 21 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा बनाई है। रामलला की मूर्ति बनाने के बाद अरुण योगीराज ने कहा कि मैं धरती पर सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ। मेरे पूर्वजों और मेरे परिवार का आशीर्वाद है, सबसे अधिक रामलला का मुझ पर आशीष है। हालांकि मूर्ति के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस लाइव।